कृषि कानूनों पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई तो आप सांसदों ने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। सभापति ने तीन सांसदों को दिन भर के लिए सदन से बाहर निकाल दिया। आज तक से तीनों सांसदों ने बात की। संजय सिंह जी, समझाइए आप कि जब रजामंदी हो गई विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, फिर हंगामा क्यों बरपा? देखिए, पहली बात तो ये है कि 267 का मैंने नोटिस दिया था कि किसानों के मुद्दे पे अलग से चर्चा कराई जाए सदन में और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। चर्चा तो आप 11 बार कर चुके किसानों के साथ और सारी वार्ता आपकी फेल हो गई। तारीख पे तारीख आप दिए जा रहे हैं। 75 दिन से वो लोग इस कड़कती ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, उनको देशद्रोही कह रहे हो, आतंकवादी कह रहे हो, पानी की बौछार कर रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, उनकी आंखें फोड़ दे रहे हो, देशद्रोहियों की तरह उनको ट्रीट कर रहे हो, किलेबंदी ऐसे कर रहे हो जैसे चीन और पाकिस्तान की सीमा पे किया। 44 किसान पंजाब के मिसिंग है, उनका पता नहीं चल रहा है। आप ये बात कह सकते थे ना, जब चर्चा के लिए 15 घंटे मिले तो उसमें आप ये सब बातें कह सकते हैं। 15 मुद्दे हैं, राष्ट्रपति ने एक विषय पे नहीं 20-25-30 विषयों पे बोला है। तो वो कह रहे हैं कि सारे विषयों के साथ किसान पे भी बोल लेना। इस देश के किसान की कोई अहमियत नहीं है क्या? इस देश के अन्नदाता के ऊपर सदन में अलग से चर्चा भी नहीं हो सकती है? वो कह रहे 50 मुद्दे हैं जिस पे राष्ट्रपति जी ने बोला है, उसमें से किसान पे भी बोल लेना आप। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक ये जुल्म चलेगा? लाल किले पे इस सरकार ने साजिश करके भाजपाइयों ने हमला करवाया, तिरंगे का, लाल किले का अपमान करवाया, देशद्रोह किया और आज पार्लियामेंट के अंदर हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि जो 75 दिन से किसान आंदोलन पे है, तीनों काला कानून वापस लीजिए और उसका एक प्रस्ताव लेके आइए। पर ऐसी मांग के लिए आप लोग गुप्ता साहब अकेले क्यों पड़ गए अलग थलग? सारी विपक्षी दल जो है उनने सहमति बना ली, अब सिर्फ हंगामा करना मकसद था कि वाकई में कोई पॉइंट रजिस्टर करना? देखिए, 100 से ऊपर किसानों की आदत हो चुकी है, 45 से ऊपर किसान लापता है, 70 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। अगर सांसद जनता की बात, लाखों लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, इस बात की चर्चा संसद में नहीं करेंगे तो कहां पे चर्चा करेंगे और क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक टेलीफोन दूर हैं, कब तक वो दूरी बनाए रखेंगे? प्रधानमंत्री जी, आज तक कोई सरकार का नुमाइंदा उनके पास नहीं भेजा। अगर हम उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे संसद में, किसान तो आगे उठाने से रहे, वो 75 दिन से सर्दी में, कड़क सी सर्दी में, धूप में, बारिश में बैठे हुए हैं और जैसे अभी बताया संजय जी ने, उनके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार हो रहा है। 12-12 इंची के किले ठोक दिए वहाँ पे, 6-6 फुट गहरी की खाई को दी है। ये किसानों के साथ व्यवहार है? जो किसान कोविड के पीरियड में भी जिन्होंने GDP 3.5% प्लस दी है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं संसद से बाहर भी और संसद के अंदर भी। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में बीजेपी पूरा दम लगाने जा रही है। फरवरी में पूरे राज्य में 5 परिवर्तन रथ यात्राएं निकालने की तैयारी है। रथ यात्रा 6 फरवरी से शुरू होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह इन रथ यात्राओं का शंखनाद करेंगे। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली है। अगले 10 दिन बंगाल में गजब का दंगल है। कैलाश जी, बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, क्या रहेगा, कब जेपी नड्डा किस परिवर्तन यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगे और हमेशा? 6 तारीख से हमारी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है नवदीप से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसको उद्घाटन करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। 11 तारीख से दूसरी यात्रा कूचबिहार से प्रारंभ होगी, जहां पर हमारे देश के गृहमंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उसका फ्लैग दिखाएंगे। ऐसी 5 परिवर्तन यात्राएं हमारी निकलेगी जो लगभग 294 विधानसभा को टच करते हुए निकलेगी। जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, उनके भ्रष्टाचार, उनकी अनैतिकता के जनता के बीच में हम ले जाएंगे। सर, अभी तक इस परिवर्तन यात्रा के लिए जो है प्रदेश की सरकार ने परमिशन नहीं दी है, क्या अगर परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि अब तो तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो क्या आप कोर्ट जाएंगे परमिशन लेने के लिए? देखिए, हम आग्रह करेंगे सरकार से कि विपक्ष का एक मौलिक अधिकार होता है कि वो जनता के बीच में जाए, सरकार उसमें रोड़े नहीं लगाए। और एक हमारी पार्टी एक जवाबदार पार्टी, केंद्र में हमारी सरकार है और कम से कम एक जवाबदार पार्टी के कार्यक्रम को इस प्रकार अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। यदि सरकार परमिशन देगी तो हम कोर्ट जाएंगे और हमारे मौलिक अधिकार के लिए हम उनसे न्याय की अपेक्षा करेंगे।